In Jasper Vice restaurant in Bar Dubai. Okay, Team India. Okay, we're gonna be speaking to the coach of Team India very soon, and a couple more people. So stay tuned, please. Stay tuned. We'll be sitting with them and have a chat. ये लाइव है अभी लाइव है लाइव है मैं आऊँगा थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के लिए ओके ओके राइट देयर ओके वी आर लाइव फ्रॉम बर दुबई एट जाफर भाई ओके दैट इज अमीदा ओके Akhtar's wife, right? Yeah, that's Amida from England, Akhtar's wife. This cup here is here for honeymoon. Okay? So I don't know why did they decide to come to Dubai for honeymoon. God knows. Okay? This couple here, they go everywhere. Every day is honeymoon for them. Okay. आ रहा हूँ मैं कोच के पास जा रहा हूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ ओके लाइव है लाइव अभी जा रहा है ओके नाउ कोच Coach is here with me. Can you record that? Coach, yes. सारी दुनिया को बोल दो. Can you see both of us? Yes. And a little bit further away. आपका introduction दीजिए. Coach, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शरद कदम हूँ. मैं इंडिया टीम का कोच हूँ. और मोहम्मद भाई और मुन्ना भाई ने हमको इनवाइट किया. ये टूर्नामेंट खेलने के लिए इसलिए हम उनसे प्यार मोहब्बत से यहाँ पहुँचा हूँ और पहला ही मैच मुन्ना भाई और मोहम्मद टीम से हम खेला और आप जीत गए खेला और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो गया मैच हो गया पहला मैच उनको बहुत टेंशन था हमारा टीम एडजस्ट नहीं हो रहा था ग्राउंड बड़ा था बॉल बड़ा था दिल भी बड़ा था वो बाद में हमको मेरा टीम एडजस्ट हो गया पहला गेम में सेकंड गेम में मेरा टीम बहुत अच्छा खेला कॉन्फिडेंस से खेला और बहुत प्रेस हमको फाइट दिया मुन्ना भाई और मोहम्मद भाई की टीम ने मैंने उनको बहुत फाइट दिया बहुत बड़ा मैच हो गया और आज दो दिन चार दिन हम इधर आए मैच के लिए आ रहे हैं इंडिया से मेरा टीम बहुत खुश है जो ये दोनों भाई ने हमारा जो वॉलंटियर किया इससे मेरा पूरा टीम बहुत खुश है अगले साल ये टूर्नामेंट हम इंडिया में लेने वाला हूँ दोनों भाइयों को और पूरा टीम को और आपको भी सबको हम इन्वाइट करने वाला हूँ आप जरूर हमारे इंडिया में आओ और उनका पहुंचार करने के लिए हमको कोशिश करेंगे हम लोग इतना अच्छा हम हेल्प करेगा या पहुंचा करेगा और फाइनली भाई ने मेरे को पूछा है तो सेमीफाइनल खेलने का है या फाइनल खेलने का है मुन्ना भाई जो बोलेगा वो हम करने वाला हूँ वो बोला फाइनल में खेलेंगे सेमी में खेलेंगे लेकिन हम लोग जो इधर आया है तो फाइनल मारने के लिए आया हूँ फाइनल मार के जाएंगे लेकिन अगर फाइनल्स में हम खेले yes, कौन जीतेगा हम इंडिया जीतेगा मे बी इंडिया वाला मैं इंडिया का कोई जो मैं कैसे बोल सकता हूँ हार सकता हूँ मुझे जीतना ही है तो इंडिया मेरे वाले देगा गांव वाला फाइनल में तो सब जीत यस ओके आपको कैसे लगा हमारा जो ये सिस्टम है वॉलीबॉल खेलने का और बॉल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे लगा बहुत बढ़िया लगा सब इजी है ग्राउंड इजी है रूम रेगुलेशन इजी है और जो इधर का जो माहौल देखा मैंने आप फैमिली का पूरा जो ऑर्गेनाइजर है उसका बहुत बड़ा दिल है बहुत बड़े दिल से हमारा सेवा कर रहे हैं लोग हम अगले साल नहीं बुलाया तो भी हम आने वाले हैं के पास और ये पहुँचा देने वाले और ये मेरा एक कहना है आपको मुन्ना भाई को ये अपन इधर नहीं खेलेगा खाली
कोई भी नहीं खेलने वाला है, ये अपना गेम वॉलीबॉल गेम ओलंपिक में जाना मांगता है, ये मेरा मकसद है। और इसके लिए मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाइयों को, तो आपका हेल्प मेरे को मिलेगा तो ये गेम अगले 4 साल में ओलंपिक में जाएगा जाएगा। और दोनों हम हमारी टीम, मेरा इंडिया टीम, भाई का टीम, रुके का टीम, खाना की टीम ओलंपिक में खेलेगा, ओलंपिक में खेलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाउ आई एम गोना पास बाय हियर, दिस इज वन ऑफ द लेडीज इन द टीम इंडिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। मेरा नाम हिमा चंदवानी, मैं इंडिया से आई हूँ और मैंने मतलब इस गेम में नेशनल खेला हुआ है और ये मेरा पहला चांस है दुबई आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खासकर मुझे मुन्ने भाई और महबूब भाई और आप सबका नेचर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया। हम जब इंडिया से निकले तो मन में कुछ ऐसा डाउट सा था, पता नहीं कैसा क्या होगा, मतलब अजीब सा लग रहा था, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। ओके आप पर्सनली आप वॉलीबॉल खेलते हैं? ओके इंडिया लेडीज के बारे में बताइए कि टीम से वहाँ खेलते हो और स्टैंडर्ड क्या है? सर मेरी जो गर्ल्स है ना वो हम लोग क्या बॉयज़ के बीच में प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी टीम का तो बहुत हाई लेवल है। अभी हम लोग ना नेशनल लेवल पे फर्स्ट प्लेस है हम लोग की, डायरेक्ट वॉलीबॉल में, और शूटिंग बॉल भी खेलते हैं हम लोग, टेबल की बॉल होती है, जो बॉयज़ खेलते हैं उसी बॉल से उसी बैट से हम लोग खेलते हैं। अभी हम आपको बोले कि आप हमारे सामने खोलो खेलो कि हमारे साथ तैयार होंगे, और जैसे आपने देखा गेम चल रही थी वहाँ, आप कितनी टीम को मार सकते हो गर्ल्स के? अरे ये तो नहीं बोल सकते कि मार सकते कि नहीं मार सकते, खेल सकते हैं, खेल सकते हैं और ठीक से खेल सकते हैं। कितनी टीम से इंडिया में ऐसी लेडीज टीम? वैसे तो हमारी पूरी इंडिया में तो कम से कम 25-30 टीम है। 25-30 टीम टूर्नामेंट होती है वहाँ? होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल लेवल की। ओके डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर नेशनल। ओके आप कितने दफ़ा चैंपियन बन चुके हैं? 10 बार। थैंक यू, और कुछ बोलना है आपको? थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। We are live with Team India Vice Captain of Team India. Can you introduce yourself to the public, please? Okay, my name is Ambush. आपको कैसे लगा यहाँ के हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताइए? 21 तारीख से आए हैं, 21-22-23 तारीख 3 दिन हमने सिर्फ प्रैक्टिस की, क्योंकि ये बॉल हमारे अलग है, ये बॉल अलग है तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस की। हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता तो फर्स्ट मैच कनाडा इधर का सबसे टॉप टीम, तुम्हारी जो टीम है कनाडा की सबसे टॉप टीम, हम उनको हरा नहीं पाते। हमने 3 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस की, दिन में रात में शाम में, इसलिए हम हरा पाए, प्रैक्टिस किया इसलिए। ओके ओके और आप वो गेम को कैसे चेंज किया? आप तो छोटे बॉल से खेलते हैं, ओके कैसे चेंज किया और कैसे अच्छा खेल लिया आपने, ये तो हम ही जानते हैं जिसने देखा है। हमारी पोजीशन एकदम स्मॉल रहती है, बॉल बड़ा रहता है तो हमने पोजीशन थोड़ी बढ़ा ली, तो मतलब बॉल बड़ा है और हाथ भी हमने पोजीशन बढ़ा ली, प्रैक्टिस कर ली थोड़ा सा, हमने नेट पे डाल के थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ली, कॉम्बिनेशन बेटा यार, क्योंकि सभी स्टेट अलग अलग स्टेट के प्लेयर हैं, कुछ गुजरात के, महाराष्ट्र के, MP के, गुजरात हरियाणा के, चंडीगढ़ के, ऐसे करके हमने 3 दिन कॉम्बिनेशन बैठा लिया, इसलिए हम थोड़ा बार एडजस्ट हो गए। तो ये टीम इंडिया सब जगह पे एक 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 दो दो अच्छे प्लेयर हमने सिलेक्शन करके ये इंडिया टीम इधर आई। ओके और इंडिया में कितने टूर्नामेंट्स होते हैं
हर साल में हमारा स्टेट नेशनल हर फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यू वीक में तीन कंटिन्यू टूर्नामेंट्स होती है, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स हर वीक में टू टूर्नामेंट्स। और किस थी आप किस टीम में खेलते हो वहाँ इंडिया में? इंडिया में हम जब नेशनल डिस्ट्रिक्ट होती है तो मैं धुले डिस्ट्रिक्ट में खेलता हूँ। टीम का नाम क्या है? धुले डिस्ट्रिक्ट धुले डिस्ट्रिक्ट से खेलता हूँ मैं। पिंपल नहर के भी टीम में खेलता हूँ। हाँ, और फिर हमारा जब स्टेट होता है नेशनल होता है, नेशनल जब होता है तब हम नेशनल में महाराष्ट्र टीम से खेलते हैं। ओके, महाराष्ट्र खेलते ही हमारा ये सब सिलेक्शन हुआ नेशनल में। नेशनल में सिलेक्शन होने के बाद हम इधर दुबई में खेलने के लिए आए हैं। आज कल और आज आप लोगों ने 9 मैचेस खेली। यस यस। ओके, 9 मैचेस में कौन सी दो के तीन टीम का नाम बताइए आप। यस यूएसए की जो टीम थी हाँ वो हमें डिफिकल्ट लगी। हाँ हाँ। और टांजानिया की जो टीम थी वो भी हमें थोड़ी मुश्किल लगी। और यूके की टीम भी थोड़ी सी हमें हार्ड लगी। ये तीनों टीम खेलने के लिए हमें थोड़ा मज़ा भी आया, बॉल रैली हुआ, मज़ा आया खेलने के लिए। लेकिन जो इधर की जो चैम्पियन टीम है कनाडा, उसके साथ हमें खेलने के लिए और मज़ा उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि कनाडा के साथ खेलने के लिए हम कम से कम एक साल वेट किया, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी है। बहुत सुना था तंजानिया वालों ने, बहुत दो तीन मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि कनाडा की टीम चैम्पियन है। हमको था कि एक साल में हम ट्राई कर रहे थे कि इनके साथ कब हम खेले, तो आज हमारा ये सपना पूरा हुआ कि कनाडा के साथ हम खेले। हमने रिक्वेस्ट की महबूब सर जी के सर जी को कि हमारा फर्स्ट मैच उनके साथ कर दीजिए। तो आप रेडी थे? रेडी थे, इसलिए हम दो दिन पहले आए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस भी किया? हाँ, प्रैक्टिस किया 21 22 23 तीन दिन हमने दिन रात शाम प्रैक्टिस किया। तो क्यों मेरे को फोन नहीं किया? आप ही लोग प्रैक्टिस गए? बोला था वो बोले वो प्रैक्टिस भी नहीं करने दिए उन्होंने। अब तो चार टीम नंबर वन तो इंडिया है पूल में, नंबर टू शायद जेफरी हो या टंजानिया हो। ओके, और नंबर थ्री जैसे मैं देखता हूँ वो भी टंजानिया की टीम होगी। कनाडा तो है अंदर। हाँ, आपको किसके साथ खेलना है सेमीफाइनल्स में? मतलब वो जो टंजानिया की टीम सेमी में आएंगी मुझे ऐसा, मुझे खेलने के मुझे मालूम नहीं कौन की। अभी जो नॉकआउट मैच कल से चालू होगा, कौन कभी भी जीत सकता है। देखो, हम अभी एक मैच जीते, एक मैच लॉस हुए, हम जीतने वाले थे लेकिन टाइमिंग के लिए हम हार गए। टाइमिंग पे ऊपर गेम है सब। अभी मुझे मालूम नहीं कि सेमी में कौन सी टीम आती है कौन सी नहीं। ओके, वही टीम अगर ओके कनाडा आ गई सेमी में तो हम खेलेंगे ना, रेडी हम खेलने के लिए रेडी हम, क्योंकि हम अभी एक एक पॉइंट हमें मालूम है कितना कीमती है, एक मिनट हमें कितना कीमती है हमें मालूम हो गया, इसलिए हम एक एक मिनट पहले से ही खेलेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी है? रेडी है। और ये चैंपियनशिप कौन उठा रहा है? चैंपियनशिप कौन ले जा रहा है घर पे? टंजानिया ले जा रही है, इंडिया ले जा रही है कि कनाडा ले जा रही है? एक साल से हम इंतजार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि हम एक साल से हम इंतजार कर रहे थे कि हम दुबई कब जाए और ये कब लेके जाए। साल से आप लोग दिमाग डाल दिया है। यस, एक साल से हम सरजीत से कॉन्टेक्ट में हैं। एक साल से मतलब हम देख रहे कि दिसंबर महीना कब आएगा, ये हम दुबई में कब जाएंगे, ये वर्ल्ड कप कब लेंगे, ये तो ये कब इंडिया जाएगा? इंडिया हमें पक्का है। आपको यहाँ कैसे लगा सब लोग मिल के? यस, यस, अभी जितने भी 12-13 देशों कंट्री के कैप्टन से इनके साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा संपर्क बढ़ा, कांटेक्ट बढ़ा, अच्छा लगा इनके साथ बात करके। अच्छा लगा उनके साथ। और कुछ बोलना है वर्ल्ड के लिए, क्या प्लानिंग? अभी हम दिसंबर महीने में टूर्नामेंट रखने वाले,
उनके लिए मतलब वही डेट जो दुबई में जो डेट रखा है वही डेट पे हम टूर्नामेंट रखेंगे महाराष्ट्र में पुणे में। तो जब ये डेट्स निकलेगी कंफर्म होगा आप वो डेट कंफर्म है जो डेट इसी साल में जो डेट थी 24-25-26 तो 20-21 वही डेट 24-25-26-20-22 अगले साल फाइन भाई माटी कह रहे थे कि खाओ 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 प्यारे दिल लगा के खाओ निकल जाएगा जी फिर कौन कहेगा खाओ। वाह 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 You're not playing, you know, you disqualify now. Red card. आप लोग रेड कार्ड वो टूर्नामेंट रखते हैं इनविटेशन सारा दुनिया को मिलेगा सारा कि पिक एंड चूज टीम में होगा नहीं नहीं सारा दुनिया को इनविटेशन होगा और अगर सारी दुनिया में से तेरे को 50 टीम मिल जाए तो क्या करोगे यस हम उनको इनवाइट करेंगे फैसिलिटीज है वहाँ फैसिलिटीज है ग्राउंड से सब कुछ इंटरनेशनल वॉलीबॉल ग्राउंड है वहाँ पे उधर हम बालकनी बनाएंगे सब अच्छा इंतजाम होगा अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच नाउ आई एम गोइंग टू द कैप्टन ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया ओके आप खुद इंट्रोड्यूस करिए आपका नाम क्या है कहाँ से आए हैं मेरा नाम विपिन चहल इंडिया हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ और दुबई में खेलना हमारा बहुत बड़ा सपना था लास्ट ईयर मेरे साथ हमें पूरा एक साल हुआ है 20 दिन की वेट कर रहे थे ताकि दुबई में इंडिया की टीम जाए भोपाल जाओगे वहाँ पे खेल ले टूर्नामेंट और हमें उम्मीद भी थी कि बहुत सारे कंट्री यहाँ पे इकट्ठे मिलेंगे हमें जिनके साथ थे खेलने में भी बहुत मज़ा आएगा और ये एक कम से कम इंडिया के प्लेयरों के लिए एक नया प्लेटफार्म है और इस प्लेटफार्म पे हम पूरे वर्ल्ड को ही जोड़ना चाहेंगे इंडिया के खिलाड़ी हर जगह खेलें ये गेम इंटरनेशनल लेवल पर रहे और नेक्स्ट ईयर जैसा कि अंकुश ने बताया हम 2022 में सेम डेट 24-25-26 वर्ल्ड कप के नाम से ये अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डायरेक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन का टूर्नामेंट ईस्ट अफ्रीका का बाकी जिसमें जितने भी कंट्री यहाँ आए हैं इनके अलावा भी जितने कंट्री और हमारे साथ हैं और जितने और हो सकते हैं एक साल में जितनी भी हमारी एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में बनेगी हम सबको इनवाइट करेंगे तुमसे तो कितना टीम और जो भी वर्ल्ड कप हमारा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा पूरे वर्ल्ड से छोटा देश है बड़ा देश है हर देश से हम जाएंगे टीम है हमारे यहाँ खेलने मैं पूछ सकता हूँ वहाँ का एकोमोडेशन वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा एकोमोडेशन पहले बात करते हैं लोग नॉर्थ अमेरिका में पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं इंडिया में क्या है इंडिया में जोर से बोलेंगे तो समझ लीजिए सबसे बड़ा तो खेल का जो स्तर है इंडिया में बहुत ही हाई लेवल का है एक से अच्छे खिलाड़ी हैं गिविंग इंटरव्यू हियर बाद में बात करते हैं बाद में बार इंटरव्यू खत्म हो जाए फिर हम बैठ के बात करते हाँ सॉरी सॉरी एवरीबॉडी हाँ खेल का स्तर इंडिया में बहुत ऊंचा है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं इंडिया में और जो डायरेक्ट वॉलीबॉल जो गेम है इंडिया में इससे ज़्यादा खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है इंडिया के हर गली में हर गांव में हर सिटी में ये गेम खेला जाता है और आज एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे दुबई में आगे जैसा हमें तो पता था भाई बहुत सारे कंट्री आएंगे लेकिन हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको ये नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ होगा
बाहर भी कोई इंडिया के बाहर इस गेम को खेलता है, हमारा और जितने भी कंट्री यहाँ पे आए हैं सबका गेम बिल्कुल एक जैसा है। हमारे रूल्स, यहाँ के रूल्स सब गेम एक जैसे ही हैं, खेल भी एक जैसा ही है। इस खेल को हमें ये सोच रहे हैं भाई, हमने ये हालांकि आप लोग ये जितने भी कंट्री हैं ये काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, ये तो पता था कि भाई ये कंट्री खेल रहे हैं, लेकिन आज तक इनसे जुड़ नहीं पाए थे हम। महबूब भाई से बात हुई हमारी लास्ट ईयर, इनके संपर्क में आए तो हमें उम्मीद हो गई थी कि भाई अब ऐसा कुछ जरूर होगा जो हम सोच रहे हैं। इंडिया वो जानना चाहता हूँ, वो एकोमोडेशन वहाँ का होटल्स वो सब टीम आएंगे उधर, ओके कैसा होगा? उन्हें में 3-5 स्टार होटल बहुत हैं और जो स्टेडियम रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, उसमें सारी सुविधाएं ऑलरेडी हैं उसमें भी। ओके और ये जो ग्राउंड है स्टेडियम में, स्टेडियम में 4 ग्राउंड। ओके तो वहाँ टूर्नामेंट वहाँ होगी या कोई और जगह? नहीं, टूर्नामेंट स्टेडियम में ही लेंगे। और ये अगर कोविड का मसला अगर होता रहा तो किसी ने बोला, भी वाइस कैप्टन ने बोला कि ये मस्ट होगा, अब कोविड की अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ होगा नहीं, एक साल का अभी टाइम है, हालांकि अब से आज से ही दिन घटने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके आज 365 दिन हैं तो कल से 364 रह जाएंगे। ठीक है, हमारी तैयारी आज से ही मतलब हम शुरू कर चुके हैं ये तैयारी। ओके हम ये पहले सोच के आए थे कि भाई ये काम हमें करना ही है। ओके तो कोविड का कुछ होगा नहीं, ऐसा एक साल का टाइम है, जाता रहेगा कोविड भी, किसी भी टीम को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी खिलाड़ी को इंडिया में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो जैसे हम समझते हैं ये टूर्नामेंट होगी 3 दिन के लिए कि 5 दिन के लिए? ये जैसा सभी टीमें मिलकर बताएंगी एक भाई जैसे मीटिंग कर लेंगे, जूम पे कर लेंगे एक मीटिंग, उसमें 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का जो भी शेड्यूल सभी खिलाड़ी देंगे, सभी टीम्स के जो भी कैप्टन कोच मैनेजर जो भी हैं जो भी हमें टाइम बताएंगे, सफिशियंट टाइम जो भी होगा भाई, हम 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 4 दिन में भी, 5 दिन में भी, वो कोई समस्या नहीं है। ओके ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन कल का प्रेडिक्शन क्या है आपके पास? कल 4 टीम जो खेल रहे हैं, ओके टॉप टीम्स हैं टूर्नामेंट के, प्रेडिक्शन क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सभी टीम में जितनी भी टीमें यहाँ पे देखती हैं सारी बेस्ट हैं, कोई टीम किसी से कम नहीं है। हालांकि महबूब भाई की टीम जो हमने इनकी वीडियो देखी हैं वो बेस्ट लगी हैं, इंडोर के भी मैच देखे हैं काफ़ी सारे, वो टीम एक्चुअल में ही बेस्ट है। और आज जो टीम एक उलटफेर का जो सिस्टम हम हर गेम में देखते आ रहे हैं वो हमारे साथ भी होता होता रहेगा। तंजानिया की टीम बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छा खेले वो यंग मुस्लिम्स। थैंक यू, लेकिन आपने नहीं बताया कौन जीतेगा कल। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। माशा ओके वन मोर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर विपिन from India. I want to call a superstar today. One of the superstar, new superstar is born. Come please, can you come here? Chan. In a car. I don't have it here. It's in my car. हमना कोबर्स एक सेकंड है। इस मंच के माध्यम से मैं एक सेकंड एक चीज और कहना चाहूँगा। हाँ बोलिए सर, जोर शोर से बोलिए। जो भी हमारा ये पूरे वर्ल्ड में हमारी एसोसिएशन लगा लो या हमारा जो मंच खिलाड़ियों का वो लगाओ, इस मंच के माध्यम से इंडिया के खिलाड़ियों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी। अब जो डायरेक्ट वॉलीबॉल जो गेम है वो इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, और अगर इसमें खिलाड़ी अपना फ्यूचर तलाश करना चाहेंगे तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, और ये इंडिया के सभी खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज है, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट खेलें, स्टेट खेलें, नेशनल खेलें और इंटरनेशनल लेवल के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कितने,
कितने कंट्री बैठे हैं। अगर क्रिकेट का भी हालचाल हम देखेंगे तो 8 ही देश ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं प्रॉपर। फुटबॉल जिसको हमें सबसे बड़ा गेम मानते हैं पूरे वर्ल्ड में, 18 टीमें ही क्वालिफाई करती हैं वर्ल्ड कप के लिए, और हमारा जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है हम कम से कम भी 30 या 40 देशों की उम्मीद कर रहे हैं, वो हमारे साथ जरूर आएंगे इस वर्ल्ड कप में। और ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप होगा शायद किसी गेम का आज तक नहीं हुआ, ऐसी उम्मीद है। Okay, now we have a new superstar who's born, okay, overnight, he's a superstar. No doubt about it. आप इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फुलचंद वाघ। फुलचंद वाघ फ्रॉम इंडिया, वेयर इन इंडिया? महाराष्ट्र बीड डिस्ट्रिक्ट, हाँ, विलेज वागे बाबुलगाव, नियर बाय परवनी। ओके, नाउ How did you learn this game? हिंदी में बोल रहा हूँ। ओके, सॉरी सर, आप कहाँ से सीखे ये गेम? मैं मेरे गांव में ही ग्राउंड है, उधर ही प्रैक्टिस करता हूँ। गांव बड़ा गांव के छोटा गांव? छोटा विलेज है। कितने लोग रहते हैं उसमें? 1000। 1000 से 1100 लोगों का हमारा छोटा गांव है। तो कैसे, आपकी एज क्या है? मेरी एज 29। 29, तो आप कब से खेल रहे हैं ये गेम? मैं 2012 से। 2012 से। और किसके साथ खेले? 1000 लोगों में किसके साथ खेलते थे आप? कैसे सीखा? पहले मेरे गांव में बहुत पुराना गेम था, लेकिन जहाज ये बॉल है, ये बॉल नहीं था, इसे छोटा बॉल है हमारे यहाँ पे। वो गेम हमारे बहुत सा पुराने, मतलब हमारे गांव में पुराना गेम है वो। मैं वहाँ भी खेलता था, वहाँ तो देख के सीखा मैं। और टीम इंडिया में कैसे आ गया? टीम इंडिया में मैं पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन में था, फिर स्टेट लेवल खेला और फिर नेशनल नासिक में। तो आप जब टीम इंडिया देखी, तेरे को ऐसे उठा लिया कि नहीं? नहीं, मेरे परफॉर्मेंस देख के उठा लिया। ओ, परफॉर्मेंस देख के उठा लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो बच्चे लोग जो अभी बड़े होते देखते, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं लोगों को? कैसे आप जैसे आप खेलते, कैसे ट्रेन हुए आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। ओके, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते दिन के? काम भी करना चाहिए ना, कि ये तेरा काम है? नहीं, ओके, जॉब और टाइम मिला तो ये गेम। ओके, तो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो वीक में, के दिन में, के हफ्ते में? नहीं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, वैसे मैं संडे को ही करता हूँ। बस एक दिन? एक दिन। तो ये आप जो जंप होते हैं खिजर की तरह, ओके, के अख्तर की तरह, ओके, कैसे कर लेते हैं आप लोग? या टारगेट कैसे, कोई ट्रेन करता है? नहीं, कोई ट्रेन नहीं करता है। हमारे कोच है ना कदम सर जी। हाँ, लेकिन कोच तो अभी मिले तेरे को? नहीं, मैं कोच के साथ अभी 4 महीने से काम कर रहा हूँ एसोसिएशन में। ओके, तो 4 महीने पहले तो उड़ता नहीं था, नीचे था। 4 महीने में इम्प्रूव हुआ ज़्यादा के, वो इम्प्रूव हो गया। सो ये कोच का कमाल है। ओके, कोई चैंपियनशिप जीती आपने इंडिया में? मैं ऐसे लोकल टूर्नामेंट जीता है, चैंपियनशिप नहीं, लोकल टूर्नामेंट। लोकल इंडिया में, सारी इंडिया में जो ये टूर्नामेंट चल रही है, कभी भी जीता है आपने? अभी स्टेट के हुए तो महाराष्ट्र टीम ने जीता था, और उसमें तुम खेल रहे थे? मैं वाइस कैप्टन था महाराष्ट्र में। ओके, और वो टूर्नामेंट जीता था हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, कल कम टू द पॉइंट, या कल, ओके, आप किसके साथ खेलना चाहती है फाइनल्स में? मैं पसंद करूंगा कनाडा के साथ फाइनल खेलना। कनाडा क्यों, तंजानिया क्यों नहीं? तंजानिया इसलिए कि वो भी, सभी टीमों से अच्छी है, लेकिन मुझे पसंद है कनाडा टीम, उसके साथ में खेलना। तो तेरे को कनाडा को मारना है? क्योंकि नहीं, वैसा नहीं है, उनके साथ एक मैच टाई हुआ हमारा, तो मतलब टाइम कम गिरा हमें, इसलिए वो मैच गया। तो हम कोशिश करेंगे फाइनल में वो मैच उनके साथ खेलेंगे और वो जीतेंगे। कौन जीतेगा? इंडिया। वो जीतेंगे शायद, कनाडा जीत जाए, कोशिश तो रहेगी इंडिया ही जीतेगा। ओके, सेमीफाइनल्स में किसके साथ आप खेलना चाहते हैं? सेमीफाइनल में तंजानिया।
कोई अच्छा प्लेयर लगा उधर तंजानिया से? नहीं, सभी अच्छे सेंटर है, वो स्मैश बहुत जबरदस्त मारता है, वन हैंड स्मैश। ओके, तो सेमीफाइनल्स अगर तेरे को कनाडा मिल गया तो क्या होगा? तो तू हार जाएगा, क्योंकि तूने कहा था फाइनल्स में तेरे को जीतना है ना कनाडा के सामने। नहीं, अगर उनका गेम चला तो वो भी जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश रहेगी कि हम ही जीते। ओके, हमारी सभी टीमों की वही कोशिश रहेगी, टीम मेंबर्स। आप कनाडा को बोल सकते हैं कुछ वीक पॉइंट्स आपकी टीम की, तो कल हम खेल सके? नहीं, कोई वीक पॉइंट नहीं इंडिया की टीम में। कोई वीक पॉइंट नहीं है, एक वीक पॉइंट नहीं इंडिया की टीम में, नहीं है, नहीं है। आप 100% श्योर? 100% श्योर। दो दिन जो गेम देखा तुमने, उससे बढ़िया कल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा इंडिया का। मैं दुआ मांगता हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन कनाडा को बोल सकते कैसे वो लोग खेल सके आपको मारने के लिए? नहीं, वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि वो भी टीम अच्छी है। तो कुछ एडवाइस दे दो ना कि क्या? नहीं, मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं कि मैं उनको एडवाइस। Thank you very much, sir. Thank you. It was nice, guys. Thank you. Yeah. No, don't off it. Aboli, please. Last word from my friend here. Weep in. एक मैसेज और है सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो कनाडा का है, तंजानिया का है, अफ्रीका का है, केनिया का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का, कहीं का भी है। हम इस गेम को ओलंपिक जो गेम है उसमें शामिल करवाना चाहते हैं। उसमें जिस तरह हमारी में भाई से बात हुई, मेरा आधा काम तो उसी टाइम पे समाप्त हो गया था कि भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए। तो बहुत सारे इस ओलंपिक संघ के चक्कर में बहुत सारा वर्क है, अभी शुरुआत हुई है। अगर सभी देश जो आज हैं अगर वो इकट्ठे रहे तो ज़्यादा सा टाइम लगना नहीं है, 2 साल के अंदर सब कुछ रेडी करके वो फाइल हमने ओलंपिक संघ को जमा करवानी है, ठीक है। उससे क्या है, स्कूली जो गेम है हमारे स्कूल लेवल पे गेम है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गेम्स हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे गेम है, इससे क्या होगा खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, स्कूली गेम से गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे खिलाड़ी, उनके लिए ये मैसेज है, खिलाड़ी अपना काम करे खेलने का, बाकी काम करेगी एसोसिएशन अपने इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। हमारी बहुत सारी एसोसिएशन आज हमारे साथ ही है, तो तहे दिल से मैं महमूद भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा काम हमसे मिलके, हमारे साथ मिलके, और आज जो हम यहाँ पे हैं ये सिर्फ एक टीम नहीं है, यहाँ पे आज पूरा देश, पूरा इंडिया इस गेम को वहाँ पे देख रहा है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई भी खिलाड़ी खाली नहीं है, आज क्रिकेट से ज़्यादा देखा गया आज ये मैच। थैंक यू Thank you, Vice Captain. Thank you. I have to offer you. Give me the card, please.